हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी वो 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे तो वो नीट और जेई प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और उन चैप्टर्स में स्पेशली वो कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। आपके सामने ये चैप्टर्स दिखाई भी पड़ रहे हैं। दीज आर पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये चैप्टर्स हैं, दीज चैप्टर्स आर वेरी स्कोरिंग चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर कि आप एक एक दिन का भी टाइम देंगे इन चैप्टर को तो आप बहुत इजीली इनको लर्न कर सकते हो। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इन चैप्टर्स में भी जो टॉपिक्स हैं, मैं पर्टिकुलर चैप्टर के आपको टॉपिक बताऊंगी कि आपको वो टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। उन टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा और टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा कि वैसे देखिए क्या है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में और बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, और एक खिचड़ी इस दिमाग में बन जाती है और उसके कारण क्या होता है कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत कुछ मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगी कि आप पर्टिकुलर चैप्टर का वो कौन सा टॉपिक जिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आपको करना है, बस आप उन टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उन टॉपिक्स और तरीके से पढ़ के जाइए, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके लिए आ जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा उसे बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पर्टिकुलर चैप्टर के वो टॉपिक क्या है। पॉलीमर में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मोनोमर, कोपॉलीमर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए मोनोमर सभी को पता है कि मोनोमर के डेफिनेशन वेरी इजी, तो आप मोनोमर की डेफिनेशन याद करेंगे। मोनोमर होते क्या है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल है विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो ये मोनोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोपॉलीमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोपॉलीमर इज अ जॉइंट पॉलीमर, इट इज अ मिक्स पॉलीमर, इसके पॉलीमराइजेशन, तो इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज कोपॉलीमर, उसके एग्जांपल्स पे भी पूरे रिएक्शन के एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यदि है तो ये दिस वन इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आप पॉलीमर में जरूर पढ़ लीजिएगा और इनके एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने 10 ईयर का पेपर देखा है तो उन 10 ईयर के पेपर को देखने के बाद समझ में आया कि बायोडिग्रेडेबल के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए और कोपॉलीमर के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप यदि आपको पॉलीमर पढ़ना है तो पॉलीमर में इन तीन को स्पेशली आप कवर करो, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आपको मैकेनिज्म पे जितने भी मैकेनिज्म है उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। आप स्पेशली कोपॉलीमर पढ़ लो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ लो और मोनोमर के बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ लीजिए। आप सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको कोलोइड्स के बारे में पढ़ना है। कोलोइड्स के बारे में पढ़ने के बाद साथ साथ आपको कैटालिसिस पढ़ना है। कैटालिसिस में भी इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ना है। एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं वो चीज आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी और आइसोथर्म्स पढ़ना होगा। तो दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट और ये टॉपिक नीट के लिए और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों टॉपिक भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों को पता है अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो विटामिन्स के बारे में पढ़ लीजिए। वेरी इजी, एक दिन का भी चैप्टर नहीं है, आप 2 से 3 घंटा देंगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसमें विटामिन्स पढ़ लीजिए, अमीनो एसिड्स पढ़ लीजिए। अमीनो एसिड्स में भी एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स प्लस इसका पीएच वैल्यू, पीएच के बारे में तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट पे भी आपको रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके तीन अभी जो मैं चैप्टर बताए हैं, तो स्टार्टिंग में जो चैप्टर है आपका क्या क्या, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल, इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ आपको। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको स्मोक, वाटर पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर, बड़ी इजी टॉपिक है ये, आधे से एक घंटे में आपको समझ में आ जाएगा यदि आप बहुत सीरियसली पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक्स भी आप कवर कर लीजिएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें आपको आर्टिफिशियल शुगर्स के बारे में स्पेशली पढ़ना है और जो ड्रग्स के बारे में है, सारे ड्रग्स के नेम एंड उनके स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ड्रग्स एंड उनके स्ट्रक्चर के जितने भी स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मेटलर्जी में बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेटलर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आप ओर्स ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनके जितने भी ओर्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा और मेटलर्जी प्रोसेस होती है वो पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी क्या है, चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ लीजिएगा। नाउ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ऑल कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड हैं, ऑल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जितने वो इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंपॉर्टेंट, KMnO4, K2CR2O7 के रिएक्शंस जो हैं,
प्रोसेसेस जो हैं, जो भी चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा इसमें पढ़ लीजिएगा। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ये आप पढ़ लीजिएगा, जो कि DNF ब्लॉक का है। POC इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको पढ़ना है, जो कि JEE वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट वालों को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो JEE वाले जो हैं वो ज़रूर उसको पढ़ के जाए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने हैलोजन्स होते हैं वो, उन सबके डिटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ड्यूमाज एंड कैसाल्डन्स रिएक्शन जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, व्हाट ग्रुप्स, लाइक जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, एसीटोन, कीटोन हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, सो मैनी ग्रुप्स आर देयर, तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो ग्रुप्स के डिफरेंसेस को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा प्रैक्टिकल के लिए। तो दीज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये इन तीन आपको टॉपिक को जरूर ध्यान से पढ़ना है। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन, ड्यूमा एंड कैसाल्डन्स रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में। तो ये मैंने आपको इजी स्कोरिंग चैप्टर बताए हैं, 8 इजी स्कोरिंग चैप्टर, जिनमें आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देना है, और इनको भी वही वेटेज मिलता है जो चैप्टर मैंने आपको अलग से बताए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपको अलग से बताए हुए हैं मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको अलग चैप्टर बताए हुए हैं, वो उनका भी एक अलग स्ट्रॉन्ग वेटेज है मार्क्स का, और इनको भी आप पढ़ लेंगे, ये इजी है, टाइम शॉर्ट टाइम पे प्रिपरेशन इनकी भी हो जाती है, तो आप इसको भी तैयार कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप पहले ये इजी स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं इन पे भी कॉन्सेंट्रेट करिए, इनके जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करके पर डे आप टाइम निकालेंगे तो आप ये 8 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, 8 चैप्टर आप 3 से 4 दिन में ही कंप्लीट कर ले जाएंगे। यदि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीरियसली नोट्स बनाते हुए, अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं तो जरूर होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया भी हुआ था कि एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले प्रिफर कीजिए, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है, तो एनसीईआरटी की बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आप उसको जरूर पढ़िए। और एनसीईआरटी के अलावा मैंने आपको कॉम्बो बुक भी पढ़ाई थी, जो मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया बताया हुआ है कि कुछ कॉम्बो बुक्स हैं जो नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप वो कॉम्बो बुक्स को क्या कीजिए, प्रेफर कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। थैंक यू सो मच।